और सुनाओ, सब बढ़िया? वैलेंटाइन का क्या सीन है? मिल गई बंदी? या ओयो रूम, दोनों में से कुछ तो मिले पापी। जनता जवाब चाहती है मेरे जैसे कौन कौन है जिसे इस महीने में कोई फूल तो छोड़ो पत्ते भी देने वाला नहीं है। वाह लगे सबको। ना 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 ना, बुरा नहीं मानना, तुम्हारे पास चांसेस हैं कि तुम्हें 14 तारीख को फूल मिले अगर तुम 13 तारीख को मर जाओ। मरना मत सालो, कल न्यूज में आ जाऊंगा यूट्यूबर कहने पे बंदे ने क्या सुसाइड। तेरी माँ की आंख नहीं है अंधे, तेरी माँ लाइक कर। पाप लगे मुझे, पता चला बीजेपी के नेताओं के साथ मेरा भी नाम अनुराग ठाकुर प्रवेश वर्मा यानी 2.0। अबे चुप, निकल लौड़े। जस्ट इन केस तुम भी उन लोगों में से हो ना जिनका 14 फरवरी वैसे ही जाने वाला है जैसा नॉर्मल दिन जाता है, केवल वही लोग वीडियो को लाइक करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ मेरी ब्रोसेना कितनी सिंगल है। सिंगल है कि नहीं है भाई? सिंगल नहीं, मुट्ठा नहीं है, वही बात है। बहुत हार्ड क्या? और पता क्या, लोगों का कहना होता है ना कि रोमांटिक बंदों से बंदियां पड़ती है। अबे रोमांटिक हूँ, बहुत रोमांटिक हूँ मैं, मतलब इतना रोमांटिक हूँ। इरशाद दो 4 लाइनें पहलता हूँ, इंस्टाग्राम पे शेयर करना। अबे अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, हैंचो पाप लगे साड़ों को। सही है यार, साले तुम लोगों ने तंग भी नहीं किया इंस्टाग्राम को, पाप लगे तुम्हें। सही कहता था कोई, सबको खुश करने की कोशिश मत करना। मैं पागल था जो सबको खुश करने की कोशिश करने लग गया था। क्योंकि इन द एंड मैं भी तो इंसान हूँ, दारू थोड़ी। Cheers to that. अच्छा खासा डायलॉग बर्बाद कर दिया मैंने। अबे साले, तो क्या हुआ, इंस्टाग्राम नहीं है? शायरी आएगी? आएगी कि नहीं आएगी मित्रों? फेसबुक पे शेयर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इंस्टाग्राम पे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? टेलीग्राम पे करना मत, बेफालतू का नोटिफिकेशन आएगा मेरे पास, पाप लगे थे। तो अर्ज किया है, कभी कभी लगता है जैसे मैं एक तारा हूँ। गॉल्फ में एक बहुत डीप लाइन आने वाली है। कभी कभी लगता है जैसे मैं एक तारा हूँ, मुझे टूटा हुआ देखकर बहुत से लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती है। वहां नहीं ले रहा, चाटा मारने का मन कर रहा है ऐसी टट्टी शायरी के लिए। अब तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो अर्ज किया है, ना अपने साथ हूं ना तेरे पास हूं, ना अपने साथ हूं ना तेरे पास हूं, मैं कई दिनों से यूं ही उदास हूं। क्यों उदास है? है? लौड़ा खड़ा नहीं होता तेरा, बंदी भाव नहीं देती तेरे को बेंचक। 10 मिनट की वीडियो के लिए टॉपिक नहीं मिलते तेरे को। गांड मरवाना बंद कर दिया तूने, लुच्ची बेगम के दल्ले साले। पापी क्या घटिया शायरी है यार ये। तो अर्ज किया है, क्या बात है चुप चुप से बैठे हो, क्या बात है चुप चुप से बैठे हो, कोई बात दिल पे लगी या किसी को दिल दे बैठे हो। उसने दिल दिया नहीं दिया, खाली बैठा नहीं बैठा, ऐसी बातें और करी ना मुझे लगता है पब्लिक तो बाद में मारेगी, मैं अपनी गांड तोड़ बैठूंगा। वाह भाई अच्छा हो गया। कुछ तो बात है मोहब्बत में, वरना एक लाश के लिए कोई यूं ही ताजमहल नहीं बनाता। अय्याशी थी उसकी, अबे रंडुआ था एक नंबर का बेंचो, लड़की बाज। बहुत पैसा था बाप के पास उसके, बना दिया लाश के लिए बेंचो। तुम ऐसी बकचोदी के चक्कर में फंसे हुए हो पापी लोग। अरे पढ़ाई लिखाई करो, काम धंधा कर लो यार, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, प्यार मोहब्बत धोखा पटक के पेरो, समझ गए तुम। टट्टी से शायरी लिख देंगे बेंचो पिटे हुए आशिक, हम जोक से करेंगे। जोक सुनाता हूँ मैं तुमको, क्योंकि अभी सीए का रिजल्ट है ना, तो सीए जोक। तो सीए के रिजल्ट के बाद बाप बच्चा से पूछता है, हाँ भाई क्या रहा रिजल्ट? डैड एक गुड न्यूज है एक बैड न्यूज है। पहले गुड न्यूज बताओ। गुड न्यूज डैड, डैड मैं पास हो गया। ओह वेरी गुड, बैड न्यूज क्या फिर? डैड बैड न्यूज ये है कि गुड न्यूज झूठ है। तुम मुझे मारोगे या मैं खुद सुसाइड कर लूं? आप ये आदमी, ना लड़की पढ़ रही है ना इंस्टाग्राम है, और शायरी जो कुछ भी काम नहीं कर रहा। तू बुला ले मेरे रब्बा। भाई मैं बता रहा हूँ सही में, लड़की ना मिलने का दुख बहुत होता है मेरे भाई। डेस्परेशन बढ़ जाती है यार, बहुत ज्यादा डेस्परेशन बढ़ जाती है। मतलब एक बंदे की डेस्परेशन तो इतनी बढ़ गई, उस बंदे ने बिलबोर्ड बाय कर दिया, बिलबोर्ड। और लिखा है सिंगल हो तो डेट मी, क्योंकि इससे बेटर साइन तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। सोच ये रहा था करने का, तो हम लोग भी कर सकते हैं, बट भोसड़ी के 40-50 हज़ार का बिलबोर्ड बाय कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे 4-5 हज़ार बनाने में दिक्कत, गांठ फट जाती है हमारी, फट के फ्लावर हो जाती है। अंग्रेजों का ही सीया यार ये, अंग्रेज सच में कितना डेस्परेट होगा। वैसे तो उनको वैसी फ्री में मिलती है ऐसा हमें लगता है, बट होता नहीं, बट फिर भी ऐसे तो उनको फ्री में मिलती है। इस बंदी को बोर्ड बाय करने पड़ गया। साले 40 हज़ार मेरी जेब में होंगे ना, बंदी वैसी पटा लूंगा मैं। चलो घूम के आते हैं ओयो रूम में, चलो मैं। बहुत हार्ड क्या? लड़की नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई, सख्त है। पटनी तो सख्ती बोलूंगा और क्या बोलूंगा, हिलाता हूँ मैं, उठा लू चल। बट हमारा फिर भी सही है, सही पता किसका नहीं है? बच्चों का,
स्टूडेंट्स का, मैं बोला ना स्टूडेंट्स के लिए सबसे बुरा समय। तो मैं याद है कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि कर्नाटक के चौथी पांचवी क्लास के बच्चों को इंट्रोगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक स्टेज शो किया था NTCA के ऊपर बेसिकली, और बाद में खबर ये आई कि उनकी माँ को अरेस्ट कर लिया गया है और फिर डिटेल्स पता चली उस प्ले में क्या है। तो जो आर्टिकल था उसमें ये भी लिखा गया था कि देशद्रोही नारे लगाए गए और मोदी की फोटो को चप्पल से मारा गया। तो बच्चों को इंट्रोगेट किया गया बट बच्चे जुवेनाइल हैं तो उनकी माँ को जेल में डाल दिया। हाँ, ये एक्चुअली ट्रू स्टोरी है, यहाँ तक ट्रू स्टोरी है। सो अब जो बच्चा है ना जिसकी माँ को जेल में डाला है वो पड़ोसी के साथ रहता है क्योंकि माँ जेल में है और बाप है नहीं। और अभी स्कूल ने ये स्टेटमेंट निकाल लिया है कि चार बार से ऊपर चार चार पाँच पाँच घंटे के लिए पुलिस वाले बच्चों को इंट्रोगेट कर रहे हैं। ना प्यूरी भाई वहीं रहे, भाई वहीं रहे। Why always still there, man? Just to suffer. I mean seriously, चार पांच घंटे चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं क्लास के बच्चों को इंट्रोगेट कर रहे हो किस लिए? एक प्ले के लिए? वहां पे गोली मार के लोग भाग जाते तब क्या करते हो? ये क्या हो रहा है देश में? तुम कैसे बोल सकते हो ये सही हो रहा है? कैसे बोल सकते हो? मतलब लोन लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन देश को नुकसान करके बाहर भाग जाते हैं, उनको अरेस्ट नहीं कर पाते। पंडित के नाम पे लड़कियों की इज्जत लूट के लोग बाहर भाग जाते हैं, उन पे कुछ नहीं कर पाते। चौथी पांचवी के बच्चों को इंट्रोगेट कर रहे हैं हम लोग, उनके मॉम डैड को जेल भेज रहे हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? देशद्रोही प्ले था। अबे पढ़ के देखो यार, इतिहास में ऐसे बहुत सारे प्ले हैं। और ब्रिटिश राज थोड़ी है और वो भगत सिंह थोड़ी है, क्या हो रहा है? सही में यार गुस्सा चढ़ जाता है यार। बस मैं बता रहा हूँ, एक दिन ऐसी जाऊंगा मैं भी जेल में। ए देशद्रोही एंटी नेशनल, तूने क्या बातें बोली? अरे कुछ नहीं बोला, सही बोला, क्वेश्चन किया मैंने, मेरा हक है सवाल करना। आएंगे इसमें सपोर्टर्स, ए साले तू ना देशद्रोही है, तू बीजेपी पे हेटर है। मैं कोई हेटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन करता हूँ जिसका जवाब नहीं मिलता मुझे। और तुम एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है ना उसका भी जवाब नहीं देते, तुम अपने आप को चूचा साबित करके चले जाते हो कमेंट में। तुम्हारे घर से मैं हमें बोलता हूँ हमेशा, जब भी किसी सिचुएशन में जाओ ना तो अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो या ईगल आई से देखो। मेरे घर का चौथी पांचवी क्लास आठवीं क्लास तक में पढ़ने वाला बच्चा पुलिस कस्टडी में जा रहा है, इंट्रोगेट हो रहा है, मैं सवाल नहीं उठाऊंगा? और मीडिया शांत क्यों है इस पे? अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। साला हर रैली में शाहीन बाग। अरे तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है शाहीन बाग के ट्रैफिक से, लोगों से पहुंच जाओ, बात करो, खत्म करो, चले जाएंगे, समझा दो उनको। खुद ही बोलते हो कि ये CAA के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये बिके हुए लोग हैं, फालतू चीजें, पैसा लेके बैठे हुए हैं। अगर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, तुम्हें ऐसा लगता है और तुम्हें लगता है तुम उसे सही कर सकते हो, तू जाओ ना, बात करो, खत्म करो। नहीं, गोली चलवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करेंगे, ये है वो है। एजुकेशन शाहीन बाग, हेल्थ अरविंद केजरीवाल, क्या है यार ये, क्या कर रहे हो तुम? और लोग सपोर्ट करते हैं इनको, मेरे को सबसे बड़ी अंधभक्ति तो वही दिखती है। ऐसा नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम अगर बीजेपी भी जीतती दिल्ली में, एक्चुअली है, बट फिर भी ठीक है, क्या कर सकते हैं। बट अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारती है ना, इसका मतलब है हम ये सब चीज जो इस देश में आज हो रही है ना, हम लोग डिजर्विंग है, ये होना चाहिए था हमारे साथ, हमने चुना है और हम ही झेलेंगे। झेलो। मतलब एक पुलिस है और एक स्कूल है। पता है उड़ीसा में क्या हुआ अभी? उड़ीसा में एक प्राइवेट स्कूल में एक लड़के को प्रिंसिपल ने गंजा कर दिया बच्चों के सामने, क्योंकि वो लड़की से बात कर रहा था। नौवीं क्लास का बच्चे को तुम बच्चों के सामने, उसके क्लासमेट्स के सामने गंजा कर रहे हो। खुद को रखो उस जगह पे और सोचो कैसा फील होगा। मैं 28 का हूं, मुझे बुरा फील हुआ यार। और मैं सोच रहा था ये बंदा दोबारा स्कूल किस, भाई पूरा मोरल कॉन्फिडेंस सब खत्म हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और फिर मेरे को आगे पढ़ के पता चला कि वो बच्चा एक्चुअली घर छोड़ के भाग गया और अब वो मिसिंग है। और उनके नेता का कहना है कि बच्चे का मिलना जरूरी है क्योंकि जब तक उसकी स्टेटमेंट नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पास विटनेसेस हैं, आई विटनेसेस, और तुम ऐसे इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? स्कूल एक जगह है जहाँ पे टीचर्स को बच्चों का फ्यूचर बनाना है, उनमें कॉन्फिडेंस डालना है, लीडरशिप क्वालिटी डालनी है, ये डिक्टेटरशिप वाली चीज कहाँ तक आ रही है? क्या हो रहा है देश में? मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, मैं सारे स्कूल के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में भी बहुत अच्छे स्कूल है। बट ये है कि सेम टाइम पे मुझे दो न्यूज पता चली, ये इंडिया की न्यूज थी और ये अमेरिका से आ रही है, जहाँ पे जो मिडिल स्कूल के बच्चे थे उनका जो टीचर था ना उसके जूते चोरी हो गए, तो कुछ बच्चों ने पैसे वैसे मिला के अपने टीचर के लिए जूते बाय किए। देखो देखो इंसानियत है ना, दिल छुएगी वीडियो, देखो देखो। Open the car first. Yes. Open the car. Y'all making me nervous. Whoever put a capital T, a P is good. Esme.
What does it say? I can't read it out loud. Yes, read it out loud. What did it say? Okay. Aww. Cry. Read it out loud. I want to see a grown man cry. Okay. 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 Much I've been about Mr. Payne. Everybody, oh, yeah. Look at this little girl. Stop. Oh, my Jesus. Oh, my Jesus. Are you sick? Oh, yes. Cry, oh, oh. Oh. Grupa. Grupa. अगर तुम्हारे दिल से खुशी हुई ना तो ये से इंसानियत ही कहते हैं जो तुम दबा के बैठे हुए हो। और मैं अगेन वही चीज बोल रहा हूँ कि एक टीचर के चलते मैं बाकी लोगों को बदनाम नहीं करूंगा। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जैसे वहां है वैसे यहाँ पे भी है। ऐसी चीजें यहाँ पे भी होती है जहाँ पे टीचर बच्चों को देखता है, बच्चे टीचर्स को देते हैं। और यही उनका रिलेशनशिप है जो तुम बिल्ड कर रहे हो, ट्रस्ट, काइंड होना एक दूसरे के लिए, भावुक होना एक दूसरे के लिए, दर्द समझना एक दूसरे का। तो अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी पे, अपने मेंटल वेलनेस पे करो, एफर्ट करो। वो वाला करो मत करना, करो ना भाई साहब। आजकल तो कोई बोल देना मेरे को, ए बेबी चलो ना, करो ना, ए तू निकल पहली फुर्सत में, चाइना निकल। हाँ ये रेसिस्ट कमेंट है, माँ की आंख। भाई साहब केरला में एक और केसेस आ गया 5 दिन के अंदर, बताओ 3-4 केसेस आ चुके हैं और उन्हें हाई अलर्ट डाल दिया। अभी सब जगह चल रही है तैयारी, तो थोड़ा ध्यान रखो बस भाई। सिम्टम्स कैसे बची, पढ़ लेना जाके, मैं खुद नहीं पढ़ रहा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। कोरोना मुझे बाद में मारेगा, पहले पोल्यूशन मारेगी, पाव लगे मुझे। सो इसी नोट पे बढ़ गया ये एपिसोड, खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। हाँ आज की वीडियो क्लिकबेट टाइप की साउंड करेगी क्योंकि कुछ भी ट्रेंडिंग था नहीं, इसलिए मेरे को रोमांटिक एंगल डालना पड़ा शुरुआत में, और मुझे पता था ये वीडियो कैसे एंड होने वाली है। या आई एम अ वेरी वेल प्लान्ड बंदा, बेंदा, समझ रहे हो। ये तो चूतिया करता हूँ, मैं चूतिया नहीं हूँ, वहां चूतिया हूँ। कौन बोला, चाओ मैं। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर। ट्विटर ही कर लो बस, खत्म बात, सकती नहीं चाहिए। सो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में कुछ लोगों से और बाकी लोगों से कल, तब तक के लिए पीस आउट। इस सड़के छोड़ के सरकार खाली इस बार भक्त बनाएगी, आज बात उसकी है कल बात तुझ पे भी आएगी। आज मैंने बड़ी कोशिश करी समझदार बनने की, बट ये जो खुशी है ना जिंदगी की, ये चूतिया आप करके ही मिलती है। ट्रू स्टोरी ब्रो।